नमस्कार, चलिए सुनते हैं हरिशंकर परसाई जी का लिखा व्यंग दवा। कवि अनंग जी का अंतिम चढ़ा पहुंचा था। डॉक्टरों ने कह दिया कि ये अधिक से अधिक घंटे भर के मेहमान हैं। अनंग जी की पत्नी ने कहा कि कुछ ऐसी दवा दे दें जिससे 5-6 घंटे जीवित रह सकें, ताकि शाम की गाड़ी से आने वाले बेटे से मिल लें। डॉक्टरों ने कहा कि कोई भी दवा इन्हें घंटे भर से अधिक जीवित नहीं रह सकती। इसी समय अनंग जी के मित्र आए। वे बोले, मैं इन्हें मजे से कई घंटे जीवित रख सकता हूँ। डॉक्टरों ने हंसकर कहा, ये असंभव है। मित्र ने कहा, खैर मुझे कोशिश तो कर लेने दीजिए। आप सब लोग बाहर हो जाइए। सब बाहर चले गए। मित्र अनंग जी के पास बैठे और बोले, अनंग जी अब तो आप सदा के लिए चले, या सुललित कंठ अब कहाँ सुनने को मिलेगा। जाते जाते कुछ सुना जाइए। ये सुनते ही अनंग जी उठकर बैठ गए और बोले, मन तो नहीं है पर आपकी प्रार्थना टाली भी नहीं जा सकती। अच्छा, अलमारी से कॉपी निकालिए। मित्र ने कॉपी उठाकर हाथ में दे दी और अनंग जी कविता पाठ करने लगे। घंटे पर घंटे बीतते गए। शाम को गाड़ी आ गई और लड़का भी आ गया। उसने कमरे में घुसते ही देखा कि पिताजी कविता पढ़ रहे हैं और उनके मित्र मरे पड़े हैं। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे हरिशंकर परसाई जी का लिखा व्यंग दवा।